राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बस संचालित करेगी। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर शहर शामिल है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वीकृति जारी कर दी है। राज्य सरकार पर लगभग 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार आएगा। इन बसों का संचालन और मेंटेनेंस स्वायत्त शासन विभाग की ओर से कवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए बजट घोषणा की थी। इससे ई वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि बजट घोषणा के बाद ई बसों की खरीद को स्वीकृति दी गई है। अब सार्वजनिक परिवहन से लोगों की आवाजाही और सुगम होगी, इको फ्रेंडली आवागमन सुविधा मिलेगी। आइए आपको बताते हैं किन किन शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। जयपुर में 300 चलेंगी, जोधपुर में 70, कोटा में 50, उदयपुर में 35, वहीं अजमेर में 23, बीकानेर में 15, भरतपुर में 15 इलेक्ट्रिक बस चलेंगी। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, साथ ही सार्वजनिक परिवहन की संख्या बढ़ने से लोग इससे सफर करने के लिए आगे आएंगे। साथ ही सड़कों पर निजी वाहनों के रेल मेल कम होने की स्थिति बनेगी और सबसे बड़ी बात पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।